हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, स्टेइंग होम सेफ। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ पे आप लोग बैठे बैठे देख सकते हो घर पे कि हमारे यहाँ पे कोलकाता में अष्टमी कैसे सेलिब्रेट होता है। ये हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं जो आप देख सकते हो। पूरे वीडियो में मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर चटनी का दुकान, घुटनी का दुकान एंड खिलौना, छोटा छोटा हाउस होल्ड काम के लिए जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, वैसे सब कुछ हर एक चीज़ का दुकान वहाँ पे है। छोटे छोटे ज्वेलरीज भी है, बैंड्स सब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सस्ते कीमत में मिल जाएंगी। 10 रुपये में आपको एक प्यारा इयर रिंग्स मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती है। और देखो, अभी स्नैक्स का दुकान ये है जहाँ पर नट्स एंड स्वीट्स बहुत कुछ मिलेगा। ये देखो शो पीस यहाँ पर, ये बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलती है। यहाँ पे कुछ स्टैचूज है, कुछ वुडन चेयर्स। और ये देखिए दोस्तों, ये कोलकाता का सबसे फेमस चीज़ जो लोग यहाँ पे खाने आते हैं वो है फुचका। ये ऐसे बनाई जाती है जो मैंने आपको छोटा एक क्लिप में दिखाया। ये हो गया दमदम पार्क का एक पैंडल। दिन का टाइम है इसलिए यहाँ पे लाइटिंग सभी ऑन नहीं है, बट पैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा पैंडल है यहाँ पे आप। और एक चीज़ गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें ना हम मतलब यूज़ करके फेंक देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, सो दैट चीज़ें वेस्ट ना हो। सो ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है कि मतलब जो जूते यूज्ड है उसी जूतों से ये पैंडल बनाई गई है, जो कि बहुत ही फनी है, लेकिन अच्छा चीज़ है कि ना चीज़ें वेस्ट नहीं हो रही है, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे पैंडल्स ऐसे बनाई जाती है जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत प्यारा पैंडल है ये। और इस मतलब इसके अंदर का जो डेकोरेशन है, जो एक जंगल वाली थीम दी गई है, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर देखिए ये दुर्गा माता का स्टैचू, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे मतलब ऐसे बैठे हैं, मतलब ऐसे स्टैचूज बहुत रेयर दिखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा स्टैचू है यहाँ पर दुर्गा माता का। अगर मेरा वीडियो क्लियर नहीं है दोस्तों तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बहुत भीड़ में जा के लिया है। ये है पापड़ी चाट कोलकाता का, मैं और मेरी बहन खा रहे थे। ये दूसरा पैंडल है दमदम का ही, एक बहुत ही प्यारा पैंडल है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मतलब ये थीम इनका ऐसा है कि कोविड के टाइम पे बिजनेसमैन को कितना, एक बिजनेसमैन क्यों, सारे लोगों को बिजनेस में इतना घाटा हुआ है कि बहुत सबको नुकसान हो गया है, तो उसी थीम के ऊपर बेसिस करके ये पैंडल बनाई गई है। इसके अंदर का ये मूर्ति देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। घर बैठे बैठे आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। कोलकाता जो घूमने नहीं आ पाए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सेव कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे यहाँ पे कोलकाता के बहुत ही फेमस स्ट्रीट जलेबीज जो ऐसे बनाई जाती है, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, डेलीशियस, यू नो जूसी जलेबीज यहाँ पे मिलती है। गरम गरम आप खाओगे तो मज़ा आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे जलेबी बनती है, ये मिठाई का दुकान, ये सारे स्ट्रीट शॉप से मिलती है। और इस मतलब बहुत ही सस्ती प्राइस में मिलती है, लाइक 15 रुपये में आपको मतलब 50 ग्राम मिल जाएंगे आराम से। और ये हमारा कोलकाता का फेमस चाय जो मटका में मिली जाती है, अमेजिंग। वन शुड मस्ट हैव अ कप ऑफ टी इन कोलकाता, वो भी मटके में, मज़ा आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे शोज दिखाए जाते हैं, मतलब गरीब लोग जो जिनको मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं है, वो लोग ऐसे ही बेचारे अपना पेट भरते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करके ये लोगों को एंटरटेन करते हैं और हम उनको खुशी से प्यार से कुछ ऑफर कर देते हैं। ये तीसरा पैंडल है जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल का है। आप देख सकते हो पैंडल, देखो यहाँ पर, ये बहुत ही आर्टिस्टिक है और बहुत ही अमेजिंग है। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरे अष्टमी के पूजा के बारे में। आई होप यू लाइक इट। अभी हम घर जा रहे हैं, ऑन द वे रात के 11 बजे का छोटा सा क्लिप है, तो ये मैंने ले लिया था सो दैट आपको समझ में आए। बाय, सी यू।